ऑफिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिड वी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार के आदेशों के बाद HRTC की बसें 50% क्षमता के साथ चलाई जा रही है। सवारियां कम मिलने के कारण HRTC नाहन डिपो को रोजाना 3 लाख का नुकसान हो रहा है। HRTC के नाहन बस अड्डा प्रभारी सुखराम ने बताया कि सरकार के आदेशों के बाद रूटों पर चलने वाली बसों में 50% सवारियां ही बिठाई जा रही है। कोरोना के चलते सवारियां पहले ही कम मिल रही है। इसके अलावा हिमाचल बॉर्डर पर भारी राज्यों से आने वाले लोगों को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, जो कि सवारी ना मिलने का एक बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल और सरकार के आदेशों का पालन करते हुए HRTC नाहन डिपो को रोजाना करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सावधानियां बरती जा रही है ताकि संक्रमण का खतरा ना रहे। यहाँ HRTC का नुकसान की बात है, वो पौने 2 साल से कोरोना के कारण जो है काफ़ी मात्रा में हुआ है, और जो आज का जो हमारा सरकार का जो दिशा निर्देश है COVID-19 की जो तीसरी लहर का जो दिशा निर्देश है वो 50% के सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चल रहा है। परंतु जो हमारे बाउंड्री एरिया जो गाड़ियाँ हैं जो अदर स्टेट में जा रही है वहाँ ज़्यादातर सवारियाँ इसलिए रुकी कि वही वहाँ जो है COVID-19 का जो टेस्ट है उसको उसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं। इस कारण जो यात्री बस पहले ही ऑलरेडी कम बैठ है, और इससे ना तो हमारी गाड़ी जा कोई ओवरलोड है और ना सिटी बेस्ट का उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यात्री पहले ही बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि दूरभाष द्वारा या कहीं ना कहीं संपर्क कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ टेस्ट रिपोर्ट मांग रहे हैं, और जहाँ ज़्यादा जो हमारी टेस्ट रिपोर्ट मांग रहे हैं पौंडा साहब में, जैसे कालाम में है, उधर महतपुर है, जहाँ जहाँ हमारे बाउंड्री है, ये जो बाहर से यात्री आता है उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट मांगी जा रही है, जिस कारण जो है यात्री बहुत कम मात्रा में चल रहा है और जिसकी वजह से ही नुकसान है। लगभग जो आज का जो आज नुकसान जो हो रहा है लगभग 3 लाख जो है पर डे के हिसाब से हमारा नुकसान हो रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।